नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का जो साइंस बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 जो है प्राकृतिक संपदा नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस तरह से हमारे इस नेचर में पाए जाते हैं और उनके जो यूज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होती है उनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रह अर्थ है, पृथ्वी, यही केवल एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जो लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी और पूरे आप सोलर सिस्टम में देख लो, केवल अर्थ को छोड़ करके ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जहाँ पे लिविंग बींग्स जो है वो पाए जाते हों, ठीक है। अभी मतलब कि करंट में तो पता नहीं है कि पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन केवल अर्थ ही एक है जहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं जीवन के लिए जो है हमारे अर्थ पे एटमॉस्फियर है, ठीक है, और जो वाटर है, ठीक है, और सारे फूड्स हैं, ठीक है, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर ही जो है जीवों के निवास के लिए आप कह सकते हो कि जितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे अर्थ पर उपलब्ध होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिसोर्सेज की, पहले नेचुरल देखते हैं। जो नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, क्या प्रकृति। अब ये नेचर क्या है, तो नेचर जो है जैसे कि जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, जहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो उगते हैं। अब बहुत सारे जैसे जो बड़े बड़े जंगल फॉरेस्ट हैं, क्या आप उन्हें जा करके रोज पानी देते हो कि बढ़ो, ठीक है, उनकी देखभाल करते हो, नहीं करते हो? तो वो किसकी देखभाल में बढ़ते हैं, वो नेचर की देखभाल में जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे जो कोई भी, आप कह सकते हो कि कोई भी क्रिएचर जो है, ठीक है, वो स्वयं बढ़ता है, ठीक है, किसके माध्यम से, वो नेचर के माध्यम से। अब रिसोर्सेज देखते हैं, रिसोर्सेज क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जिस ऑब्जेक्ट से पढ़ा रहा हूँ वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्स नहीं, ये नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया नहीं, ये मैन मेड है, ठीक है, ये मानव के द्वारा निर्मित किया। आप जिस मोबाइल फोन, आईपैड या फिर जिस कंप्यूटर में देख रहे हो वो भी क्या है, वो आप कह सकते हो एक प्रकार से रिसोर्सेज है, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज, इसे नेचर ने नहीं बनाया, इसे किसने बनाया, इसने आदमी ने बनाया है, ठीक है, मानव ने बनाया है, ठीक। तो इस तरह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अर्थ है इन पे ये जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो अर्थ पे किसी भी जीवन को, ठीक है, किसी भी प्राणी को, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, उसे तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला तो स्थल, जल और वायु, यही तीन जो हैं पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा के रूप में जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसके ऊपर, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये जो आप ग्रीन देख रहे हो लाइट, ये इसका एटमॉस्फियर है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ये ग्रीन वाले हैं ये जो है ये इनके लैंड हो, ठीक है, और बाकी जो वाइट वाइट यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पे पूरा जो है वो वाटर से वो पूरा एकदम भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ओनली अर्थ, ठीक है, पृथ्वी जो है, ठीक है, यही एक है जहाँ पे वायुमंडल, ठीक है, और ये ग्रीन वाला हमारे पास क्या है, इसे हम स्थल मंडल बोलते हैं, ठीक है, और ये वाटर वाले को हम क्या बोलते हैं, जल मंडल, ठीक है, जल मंडल, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी प्लेनेट पे अगर ये तीनों चीजें, ठीक है, हैं तो वहां पे जो जीवन है, ठीक है, जो लाइफ है वो पॉसिबल है, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं जो हमारा वायुमंडल है,
इसके जो हैं वो तीन कैटेगरी हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ों से मिल करके बने हैं। पहला तो आपका नाइट्रोजन ना 78%, सेकेंड है आपका ऑक्सीजन कितना 21%, ठीक है, बाकी जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, बाकी ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो मेनली यही जो है दो पाए जाते हैं, ये जो है वो खाली 1% जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो ये जो दोनों हैं ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, ठीक है, ये ज्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, ठीक। तो जहां पे ये तीनों चीजें होंगी वहां पे जो है जो हमारी लाइफ है वो वहां पे होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, बहुत सारी चीजों से मिल करके हमारा ये जो स्थल जो वायुमंडल है ये बना है, ठीक है, और इसके अंतर्गत, ठीक है, जो हमारे अर्थ है, ठीक है, इसमें जल वायु मृदा, ठीक है, और बाकी जो घटक होते हैं, ठीक है, जैसे अजैव घटक और जैव घटक होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे अर्थ पे पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं कि जीवन की श्वास वायु, ठीक, अगर वायु ना हो तो आप जो है सांस नहीं ले सकते हो, ठीक है, ये बहुत सी गैसों का जो है वायु एक मिश्रण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प, ये सारी चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो वायु के जो अलग अलग घटक पाए जाते हैं उन्हीं का परिणाम होता है। आगे हम चलेंगे देखेंगे कि ये जो वायु होते हैं इनकी जो क्या उपयोगिता है, ठीक है, हमारे अर्थ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए, ठीक है। जैसे शुक्र ग्रह ले लीजिए और मंगल ग्रह, ठीक है, इन जैसे ग्रहों पे जो है अपना कोई वायुमंडल जो है वो है, लेकिन उसमें जो है ऐसे घटक नहीं पाए जाते हैं जो कि किसी लिविंग बीइंग के लिए यूजफुल हो, ठीक है। यहाँ पे 95% से 97% तक केवल कार्बन डाइऑक्साइड पर, आप जानते हो, आप जहाँ पे आधी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एसिड रेन होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब बात करते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, ये ग्लूकोज जो है वो बनाते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें कौन से आते हैं, हमारे जो पहले वाले कोशिका जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, ठीक, ऐसी कोशिकाएं आती हैं जो कि पूरी तरह से विकसित न हुई हों, ठीक। प्रोकैरियोटिक में ऐसे आते हैं जो कि पूरी तरह से विकसित हो चुकी, उनमें जो है वो अपना आरएनए और डीएनए पाया जाता हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उनके न्यूक्लियस में पाई जाती हो, ठीक, और उनका जो एक केंद्रक हो वो अच्छे से सुसंगठित हो, बना हुआ हो, ठीक है। तो इन कोशिकाओं के द्वारा जो है ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ा जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, और किसी भी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन जो है वो क्यों चाहिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ग्लूकोज है, ठीक है, वो अगर आप जानते हो कि आप एक जो है क्रियाकलाप कीजिए कि आपको एक यहाँ पे ग्लास लेना होगा, ठीक है, और एक कैंडल, ठीक है, आप इस तरह से कैंडल रख दो और कैंडल जो है वो जल रही है, ठीक है, और ग्लास को आपको क्या करना है, इससे बंद कर देना है, ठीक है, ग्लास से। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाएगी, क्योंकि ये तब तक जलती है जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, तब तक ये जलती है, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वैसे ही ये क्या करती है, बुझ जाती है। तो सेम वही चीज़ जो है वो हमारे कोशिकाओं में होती है। मान लीजिए ये हमारा सेल है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारे ये न्यूक्लियस है, ठीक, यहाँ पे जो है वो आपका माइटोकांड्रिया जो है वो पाया जाता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे जो हमारे जीव द्रव्य होते हैं, ठीक है, राइबोसोम होते हैं, ठीक, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो इन्हीं सब के माध्यम से जो है यहाँ पे आकर के ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो सारे सेल तक जो है वो पहुँचती है,
सेल तक वो पहुंचती है और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जो हमारे द्वारा भोजन किया जाता है तथा पाचन और प्रचूषण या फिर आप कह सकते हो अवशोषण के उपरांत, ठीक है, जो ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये क्या करता है, प्लस अगर ऑक्सीजन से इसकी हम क्रिया कराएं तो हमारे पास क्या आएगा, CO2 + H2O + जो हमारी ऊर्जा होती है, एनर्जी, ठीक, तो इसका उपयोग जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक, H2O और ऊर्जा। ये जो H2O यहाँ पे फॉर्म होता है, ये हमारी बॉडी में जो जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, ये उसे बैलेंस करते रहता है, ठीक है। और ये जो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसे हम रिस्पिरेशन से क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो किसी भी लिविंग बींग के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहीं पे दूसरी चीज़ अगर हम देखें, ऑक्सीजन की जो है वो खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्पादन होता है दहन की क्रिया में, ठीक है। अब जैसे आप कोई भी चीज़ जलाते हो, ऑक्सीजन नहीं है, आपने तो क्रिया जो है एक्टिविटी भी कर ली, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन जो है वो चाहिए, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ चलाते हो तो उसे ऑक्सीजन जो है वहाँ पे कम होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत ही विषैली गैस होती है, ठीक है, वो वहाँ से बाहर निकलती है, ठीक। तो केवल मनुष्य के क्रियाकलाप ही जो है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम ईंधन को भी जलाते हैं, बल्कि जंगलों में जो एक आग लग जाती है, इससे और भी ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज होता है। और आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो भी बढ़ रहा है, ठीक। केवल 1%, 0.04% कार्बन है, ठीक है, तब भी हमें जो है इतनी चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही। सोचो कि जहाँ पर 95 से लेकर के 97% तक के कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वहां पे उस प्लेनेट का क्या हाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक, ये दो विधियों से एक जगह स्थिर होते हैं। पहला क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे जो है सूर्य के किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, ठीक है, CO2H2O + O2, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे मिनरल्स होते हैं H2O और CO2, ठीक, ये मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, C6H12O6, और जो हमारा ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, ठीक। दूसरा, बहुत से समुद्री जंतु जो होते हैं समुद्री जल में घुले, जो कार्बोनेट होता है, ठीक है, ये उसका उपयोग जो है अपना जो शरीर होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवच जो है, एक शील्ड जो है वो वहाँ पे अपने ऊपर बना लेते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका, ये क्या है। तो हम ये जानते हैं कि वायुमंडल जो है पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढके हुआ है, ठीक है, कि जो वायुमंडल है ये पृथ्वी को चारों तरफ से, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कंबल उड़ा देते हैं, ठीक है, उस तरह से ये वहाँ पे ढका हुआ है। तो इसकी जो लाभ है, जो बेनिफिट है इसका, ये क्या है कि जो एयर होता है ये क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारी लाइट या फिर जो ऊष्मा होती है हीट, ये इसका एक बैड कंडक्टर है, ठीक है, कुचालक है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के औसतन तापमान को दिन के समय जो है और यहाँ की तक की पूरे वर्ष भर जो है वो एक जगह तरह से आप कह सकते हो कि बना करके रखता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये इसका क्या है, एटमॉस्फियर, ठीक, यहाँ पे जो है वो कुछ लैंड पाए जाते हैं, जो आपका वाइट है वहां पे मान लो कि जल पाया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहां से वायुमंडल है, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे आपका जो है वो सन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सन से जो लाइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, सन से जो भी लाइट हमारे एटमॉस्फियर पे पड़ रही है, इससे जो है कुछ हमारे अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जिसे हम पराबैंगनी किरण, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज ये आती हैं, ठीक है।
तो ये बहुत ही हार्मफुल रेज होती हैं, ठीक है। इससे जो है आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जो है वो हो सकती है, ठीक। तो जो वायुमंडल होता है ये क्या करता है, पहली बात तो ये इसे पराबैंगनी किरण जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमारे सन से आती है, ठीक है, ये उनसे जो है हमारा एक तरह से आप कह सकते हो कि रक्षा करती है, ठीक है। और एक चीज देखो कि जो वायुमंडल होता है इसके अंदर जो लाइट एंटर कर जाती है, ठीक है, मान लीजिए दिन के समय तो जो है वो सूर्य रहते हैं, ठीक है, सन रहता है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन रात के समय क्या होता है, यहाँ से कोई तो सोर्स है नहीं एनर्जी का जो कि अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है जो हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे जो इसकी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है, अंदर की जो हीट होती है वो वायु के एयर के होने के कारण, एयर जो आप जानते हो कि हीट का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, तो ये जो है इसे बाहर अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है, ठीक है। और जो बाहर से ज़्यादा अगर कोई हीट आ रही है तो ये उसे भी जो है वो अंदर नहीं आने देता है, ठीक। वही अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए अगर हम मून पे चले जाएं, ठीक है, तो मून के पास तो कोई अपना एटमॉस्फियर जो है वो तो है नहीं, ठीक है, मून के पास कोई भी अपना एटमॉस्फियर जो है वो नहीं है। तो अगर आप यहाँ के दिन का टेम्परेचर देखो तो वो लगभग कुछ 100, ठीक है, मान लीजिए ये कुछ 110 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रात के समय वही ये 190 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है, ठीक है। देख सकते हो आप कि अगर हमारे अर्थ पर भी वायुमंडल न होता, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फियर है वो न होता तो क्या होता, क्या होता, सारी एनर्जी जो है वो कहाँ पे चली जाती, स्पेस में चली जाती, और स्पेस में जाते ही हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से ठंडी हो जाती, तो इस तरह से कोई लिविंग बींग जो है वो तो रह नहीं पाता, ठीक है। सुबह के समय इसका टेम्परेचर जो है वो लगभग 110 डिग्री तक पहुंच जाता, ठीक, यही चीज जो है यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए कि जो वायु है, ठीक, इसमें गति, वायु में गति हो रही है तो हम क्या बोलते हैं भैया, हवा चल रही है, ठीक, पवन चल रहा है, तो ये कैसे होता है, तो हम देखते हैं कि अगर दिन में हम गर्मी के बाद अगर शाम को बहने वाले जो ठंडे होते हैं, ठंडी हवाएं जो होती हैं, ठीक, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे जो शरीर होता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी कभी दिन में अधिक गर्म मौसम के पश्चात जो है वो बारिश भी हो जाती है, ठीक है, वायु की गति का कारण जो है वो क्या होता है, कभी ये एकदम तेज हो जाते हैं, ठीक है, कभी तूफान आ जाता है। तो यहाँ पे जो वायु होती है उसे हमने क्लास 8 में, ठीक है, जो हमारे जलवायु, ठीक है, वाला चैप्टर था, वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो भी एयर होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जहाँ पे भी लो प्रेशर हुआ, ठीक, हाई प्रेशर से, ठीक है, उसे बैलेंस करने के लिए जो एयर होते हैं, जो हवा होती है, ठीक है, वो तुरंत चलने लगती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यही एक कारण होता है जिसके कारण जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि चलती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि चलो भाई चल तो रही हवा, लेकिन ये तूफान कब बन जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक लैंड है, ठीक है, ये एक वाटर, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, मान लीजिए कि ये जो है वो हवा है, ठीक, ये गर्म हुई, गर्म होकर के कहाँ चली गई, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, कहाँ पे, ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ का जो एयर था, ठीक, वो तो ठंडा है, ठीक है, जल वाला, ठीक, ये आपका क्या है, स्थल है, और ये आपका जल है, या फिर आप कह सकते हो समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ का जो जल है वो तो ठंडा है, तो हल्का होने पे ये तो ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन ये गर्म होकर के सब जो एयर्स होते हैं वो ऊपर, तो यहाँ का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, खाली हो जाता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में एयर जो है वो गर्म होगा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ की जो एयर्स हैं वो बहुत ही तेजी से जो है इस एटमॉस्फेयर को
बैलेंस करने के लिए चलने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम कहते हैं कि आधी तूफान जो है ये आ गया है। ठीक है, जितना कम लो प्रेशर होगा, ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर जितना ज़्यादा होगा और लो प्रेशर यहाँ पे जितना कम होगा, हवा जो है वो उतनी ही तेज चलेगी, ठीक, उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसी कारण जो पवन होते हैं वो जो है चलते हैं और वायु में जो संवहन होता है, ये धारा एक तरह से आप कह सकते हो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आप हमने यहाँ पे देखा कि जो वायु होते हैं वो किस तरह से जो है चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि रात के समय में जो स्थल होता है, ठीक है, समुद्र, दोनों को कंपेयर में जो है वो समुद्र जो है वो ठंडे होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक, जैसे अगर हम देखें कि रात के समय, कब के समय, रात के समय, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा लैंड है, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, ये वाटर है। ठीक है, तो अब यहाँ की जो हवा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ की हवा जो है वो रात के समय, तो इसका तापमान, अब जैसे कि आप देखो एक जगह, आप एक कटोरी में, ठीक है, बालू के छोटे छोटे कण रख दो और उसे गर्म करो, ठीक, और एक कटोरे में आपको जो है वो जल ले लेना है, पानी, ठीक है, उसे आपको यहाँ पे गर्म करना है, स्थल और जल, ठीक है, इसे आपको गर्म, तो आपको दोनों में ये देखना है कि ऐसा कौन सा बीकर है जो कि जल्दी गर्म हो गया। तो आप देखोगे जहाँ पे आपका जो बालू है ये जल्दी गर्म हो गया, ये जो है वे इससे अपेक्षा जो है वो कम गर्म होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि दोनों जो है वो गर्म हो गए 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों जो है वो गर्म हो गए। अब आपको क्या करना है, दोनों को रख देना है ठंडा होने के लिए। तो आप देखोगे सबसे पहले कौन सा जल्दी ठंडा होगा, जो हमारी बालू है भाई, फिर से ये ठंडा हो गई, ठीक, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई, वैसे 0 तो नहीं होगी, चलिए मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस, एक नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब ये आप देखोगे कि ये भी जो है वो धीरे धीरे कम होता, जब तक ये 37 डिग्री हुआ तब तक ये जो है कम से कम 65 डिग्री तक ही पहुंच पाया, ठीक है, 100 डिग्री से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, दिन के समय ये जो है ये तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, जल्दी गर्म हो जाएगा, और ये जो है ये कम गर्म होगा, ठीक, सूर्य जब होता है, ठीक है, गर्म क्या होगा, ये कम होगा। अब आपको देखिए यहाँ पे जो ज़्यादा गर्म होगा वहाँ की जो हवा है वो भी ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा गर्म होने से ये क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, ये जो है इसके अपेक्षा कम गर्म है, तो यहाँ की हवा जो है तो ज़्यादा ऊपर उठेगी नहीं, ठीक है, कुछ ठंडी हवा होगी। तब दिन के समय जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से जो स्थल है वहाँ पे चलती हैं, ठीक है, समुद्र से कहाँ, स्थल की ओर, यही आप इसका अपोजिट ले लो। अगर हम रात के समय देखें, मान लीजिए लैंड है, अब हमारा जो वाटर है ये है, ठीक है, ये लैंड है, ये वाटर है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्थल और ये जल। अब देखिए, अब रात में तो सूर्य है नहीं, ठीक है, सन है नहीं, तो इसे जो है ज़्यादा ऊष्मा जो एनर्जी आप कह सकते हो हीट जो है वो मिलेगी नहीं, तो यहाँ की जो हवा वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक, आप जानते हो कि जो लैंड होता है वो कितना जल्दी ठंडा होता। अब ये जो है दिन भर में जो पूरा गर्म हुआ, ठीक है, रात को वही क्या करता है, धीरे 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 ये ठंडा होता है, तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो अभी यहाँ पे गर्म है तो वो ऊपर उठती रहती हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, अब यहाँ की हवा क्या है वो ठंडी है तो नीचे है, ठीक, जैसे ही हवा ऊपर उठती है तो ये हवाएं जो हैं वो लैंड से वाटर की तरफ, ठीक है, स्थल से जल की तरफ जो है वो चलने लगती हैं, ठीक, तो यहाँ पे पूरा उल्टा होता है, दिन में क्या होते हैं कि हवाएं जो हैं वो जल से स्थल की तरफ, रात को हवाएं स्थल से जल की तरफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस तरह से जो हमारे वायु होती है वो यहाँ पे मेंटेन रहती है, ठीक है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं वर्षा की, ये वर्षा क्या है, वर्षा किस प्रकार से होती है, तो हमने जो है देखा था कि जो हमारा वर्षा चक्र होता है वो क्या था, जो जलवायु होती है वो क्या होती है, ठीक है,
और मौसम जो है वो क्या होता है। तो मौसम क्या होता है, मौसम जो है वो एक ऐसा समय होता है, ठीक है, जहाँ पे जो हमारे वायुमंडल की जो कंडीशन होती है वो हर घंटे हर मिनट हर क्षण हर सेकंड जो है वो बदलती रहती। लेकिन जो हमारी जलवायु होती है उसमें चेंज कब होता है, 100 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, 10 महीने बाद, ठीक है, लगभग 1000 साल बाद, ठीक। तो इस तरह से जो जलवायु होती है ये बदलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जैसे छोटे छोटे स्तर पे दिन के समय में जब जलीय भाग गर्म हो जाता है, ठीक है, दिन के समय में जब जलीय भाग गर्म हो जाएगा तब बड़ी मात्रा में ये जलवाष्प बनेंगे, ठीक है, और ये जलवाष्प क्या करेंगे, ऊपर की तरफ वायु के साथ जो है वो बहने लगेंगे, ठीक है। और ये कुछ ऊपर जाने के बाद जब जलवाष्प धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, एक बादल फॉर्म करते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये जो है, ठीक है, अब यहाँ पे जो वायु है, ठीक है, वो गर्म होगी तो क्या होगी, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जब ये ऊपर उठेगी, कुछ ऊपर जाने के बाद आप जानते हो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस के दर से जो है 1 किलोमीटर जाने पे वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर जाने पे ये हवाएं क्या होंगी, वो जलवाष्प ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, ये क्लाउड, बादल फॉर्म जो है वो बादल फॉर्म कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है अभी तो मान लो ये व्हाइट कलर में है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब इसके अंदर जो है और भी ज़्यादा जलवाष्प जो है वो एकत्रित हो जाता है तो ये क्या करते हैं, वो काले कलर के हो जाते हैं, ठीक है, काले रंग के। वैसे होते नहीं है ऐसा, जो है हमारे लाइट के कारण होता है, ठीक है। जब हमारी लाइट, जैसे कि मान लीजिए आपके अंधेरे कमरे में हो, ठीक है, तो अंधेरे कमरे में आपको कुछ नहीं दिखाई क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ठीक। ऐसे ही बादल के अंदर जब ज़्यादा जलवाष्प हो जाते हैं, बादल के जब मोटे मोटे परत बन जाते हैं तो यहाँ से सन से जो लाइट इस पे पड़ रही है वो हमारे आँखों तक नहीं आ पाती है, ठीक है। तो जब हमारे आँखों तक कोई लाइट नहीं आती तो हम वो हमें कौन कैसी दिखाई देती है, ब्लैक कलर में दिखाई देती है। तो इसीलिए जो है हम कहते हैं कि काला बादल है, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो वैसे वाइट कलर के होते हैं लेकिन जब हमें प्रकाश ही नहीं दिखाई देगा, लाइट ही हमारे आंखों में नहीं आएगी तो वो नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा वाष्प है ये क्या करता है, ऊपर जाता है जलवाष्प, ठंडा होता है तो बादल फॉर्म करेगा, बादल से जो है वो धीरे धीरे कुछ और ठंडा होगा तो जल की थोड़ी छोटी बूंदे बन जाएगी, यही फिर बाद में जो है वो जो हमारा लैंड है या फिर जो वाटर वाले एरिया है वहां पे गिरने लगता है बारिश के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे वर्षा होती है वो किस तरह से होती है, अगर यही मान लीजिए हमारे चारों तरफ जो है कभी कभी जो बूंदे होते हैं वो जमा हो जाते हैं, ठीक है, वायु में जो धूल होते हैं, अब वायु में बूंदे जब कैसे जमा हो सकती हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ठंडी के समय में आप कोहरा देखते हो, ठीक है, तो यही कोहरा क्या होता, जहाँ पे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है वहाँ पे कोहरा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हीं के साथ जल जो है वो उनके चारों तरफ हो जाते हैं। मान लीजिए कण है तो जल की जो बूंदे हैं ये इसके चारों तरफ जो है इकट्ठी हो जाएंगी, बाद में ये जो है हमें ओस के रूप में दिखाई देती हैं, ओस या फिर आप कह सकते हो कोहरा, ठीक है। अब यही जो है जब कण जो होते हैं वो अपने चारों तरफ ये क्या करते हैं उनसे चिपक जाते हैं और हवा में जो है वो उड़ते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए एक बार जल की बूंदें जो है निर्मित हो जाती हैं तो वो संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती हैं। संघनित होने का मतलब कि वो जम रही हैं, मतलब कि धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका संघनन हो रहा है, ठीक है। वो जम करके वाष्प में, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई डिब्बा है उसमें अगर आपने जो है कोई भी गैस जो है वो भरी है उसे आप फ्रिज में रख दे तो वो क्या हो, पहले वो लिक्विड में बदलेगी, ठीक। लिक्विड के बाद वो क्या होगा, तुरंत ही जो है वो आपके किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। अब एक्सेप्शन में आप मत लीजिए, एक्सेप्शन में जो हमारा कपूर होता है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, सीधा सॉलिड में आ जाएगा। अगर आप जलाते हो तो जलाते समय ये लिक्विड में नहीं आएगा, सीधा गैस में निकल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, मैं इनके लिए नहीं बता रहा हूँ, और बाकी जो है उनके लिए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे वहाँ पे ठंडे होते हैं। अगर कभी कभी टेम्परेचर जो है वो एकदम कम हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हिम गिरते हैं या ओले आप कह सकते हो, ओले गिरने लगते हैं, ठीक है, मतलब कि बर्फ की छोटी छोटे बूंदे, ठीक
ठीक है। तो वर्षा का जो पैटर्न होता है वो पवनों के पैटर्न के ऊपर निर्भर करता है, बारिश कहाँ पे होगी, ठीक, जहाँ पे जो बादल है हवा के माध्यम से जहाँ पे जाएंगे उड़ करके, ठीक है। तो जैसे जो भारत के कुछ भूभाग बड़े बड़े हैं, अधिकतर वर्षा जैसे दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, दक्षिणी पश्चिम या फिर उत्तर पूर्वी जो मानसून होते हैं वहाँ पे जो है वो बारिश होती है। जैसे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इसमें वायुदाब कम होने के कारण यहाँ पे कई क्षेत्रों पे वर्षा होती है। हमारे केरल हैं, ठीक है, और मुंबई है, ठीक, बहुत सारी ऐसे कंट्री सॉरी जो हमारे स्टेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो बारिश जो है वो हो जाती है। तो आप इस फिगर में जो है वो देख सकते हो कि सैटेलाइट के द्वारा जो हमारा बादल है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे वाइट दिखाई दे रहे गहरे रंग में, वो हमारे बादल है वो यहाँ पे खींचा गया है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। अब वायु प्रदूषण क्या है, इसका पूरा एक चैप्टर हमने क्लास 8th में जो है वो डिस्कशन किया था कि जो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, इसमें जैसे हम बहुत ही समाचार पत्र सुनते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं ये बढ़ जाते हैं, ठीक। जैसे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे अगर आप पूछोगे कि पहले का जो एयर था वो कितना ज़्यादा प्योर था, ठीक है, अभी हम जो है अगर स्काई आकाश में देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि जो तारे होते हैं वो भी नहीं दिखाई देते। अगर आप अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे पहले के समय में एयर जो है वो इतना ज़्यादा प्योर होता था, शुद्ध होता था कि वहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन जो है वो नहीं था, ठीक है, क्योंकि पहले के समय में जो है वो जो हमारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, जो इंडस्ट्रीज हैं वो पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो अर्थ से ही जो है वो आप वीनस, ठीक है, और जो हमारे शुक्र ग्रह हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रहों को जो है वो आप अपनी आंखों से ही देख सकते थे, ठीक है, यहाँ तक कि जो हमारी दूसरी गैलेक्सी है उसे भी आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जो आकाशगंगा होती थी उसे भी अपनी आंखों से पहले देख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे इतनी चेंजेस हो गई, इतने ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया कि वो जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो जीवाश्म ईंधन होते जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इन्हें भी हम जलाते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत ही जो है वो कम मात्रा होती है, ठीक है, ये जो ईंधन है, ठीक है, जब ईंधन जलते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के साथ जो है वो जलते हैं, ठीक, नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो मिल करके हमारा जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और उसे भी जो है वो पॉइजनस बना देते हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसें जो हैं ये हम जब हम सांस में ले लेते हैं हमारे लिए पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। तो वर्षा के समय में ये जो गैसें हैं वो वर्षा की बूंदों में मिल करके एसिड जो है वो फॉर्म करती हैं, और जब यही एसिड जो है वो लैंड पे गिरता है तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। ये इतने खतरनाक होते हैं, अगर आपके स्किन पे गिर जाते हैं तो आपकी स्किन को जला सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेटल पे पड़ जाएंगे तो मेटल को गला सकते हैं, ठीक है, जैसे जो हमारा ताजमहल है, ठीक है, अगर उस पर पड़ जाएंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो पत्थर है वहाँ पे वो क्या करता है, उसके अंदर भी जो है वो छोटे छोटे होल जो है वो हो सकते हैं, या फिर उसका रंग जो है सफ़ेद से काला हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो ये जो कण होते हैं ये जब कार्बन कण या फिर पदार्थ होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये प्रदूषक जो अधिक मात्रा में उपस्थिति को जो है वो कम करते हैं, ठीक है, विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित हो जाती है तो इससे जो है वो कोहरा जो है वो फॉर्म होता है। तो ये सारी प्रदूषण का संकेत जो है होते हैं कि हमारे सांस लेने में जो है वो तकलीफ़ें आती हैं, ठीक है, और वायु प्रदूषण का एक कारण ये भी है कि जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, इसे भी हम क्या कर रहे हैं कि काट रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है, वैश्विक तापन जो है जिसे कहते हैं वो भी बढ़ेगा, इसके बढ़ने से जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो पिघलेंगे, तथा ग्लेशियर पिघलने से जो हमारा ओशन लेवल है या फिर सी लेवल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, और इसके बढ़ने से समुद्र के किनारे के जितने शहर या फिर जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ तक कि 7 किलोमीटर अंदर तक डूब सकते हैं, ठीक है, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है, ठीक है, अगर इस जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ती रही, ठीक, और वायु प्रदूषण के कारक हमारी इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है, जिससे जो बड़े बड़े विषैले जो है वो धुआं निकलते हैं, ठीक है, इसके कारण वायु प्रदूषण के कारण जो हमारी ओजोन परत है, ठीक है, वो भी कह सकते हो आप कि कम हो रही है, ठीक है, उसे भी नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है, अभी हम ओजोन परत के बारे में जो है वो अच्छे से नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, ये कौन क्या होती है और जो है किस तरह से अपने काम करती है।
तो वायु प्रदूषण अगर होता है तो इससे हमारे कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी जैसी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए हमें जो है प्रदूषण को रोकना चाहिए, ठीक है, और हमारे आसपास जितने लोग हैं उन्हें जो है प्रदूषण के प्रति जागरूक करना चाहिए, ठीक है। तो जो है इस तरह से हमें अपनी पृथ्वी को और बाकी जितने यहाँ पे लिविंग बींग्स हैं उन्हें बचाने के लिए जो है हमें कार्य जो है वो करने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, ठीक है, ये सारे कार्य करने चाहिए। चलिए यहाँ पे आपको जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला है, शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है। तो हमने देखा कि जो हमारे शुक्र और मंगल ग्रह हैं, ठीक है, वेनस और शुक्र और मंगल, ठीक है, ये ग्रह क्या है, इनके ऊपर तो वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है जैसा हमारे अर्थ पे पाई जाती है, ठीक है। अर्थ पे कौन सी कंडीशन है, इसके अंदर एयर में जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर, बहुत सारी चीज़ें जो है लिविंग बींग्स के लिए जितनी चाहिए वो सारी चीज़। लेकिन अगर मंगल और शुक्र ग्रह की बात करो आप, तो वहाँ पे आप देखोगे कि 95% से लेकर के 97% तक केवल कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब जहाँ पे इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे लिविंग बींग्स कैसे जो है सर्वाइव करेगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.4% के लिए यहाँ पे तहलका मचा हुआ है कि अरे भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब सोच लो जहाँ पे 95% है, ये तो अभी 1% भी नहीं है, ठीक है, 1% से अभी ये 0.96% कम है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि जब इतनी संकट जो है केवल 0.4% पे है, तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या हालत होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो हमारे शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल हैं वो अलग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ठंडी लगती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा कंबल ओढ़ लेते हो, आपको ठंडी नहीं लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कंबल होता है ये हीट और जो एयर, ठीक है, ये इसका जो है बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा पृथ्वी है उसके लिए इसका कंबल क्या है, एयर है, ठीक है। तो जो एयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, सूर्य से जो भी किरणें आती हैं, ठीक है, या फिर जो भी ऊष्मा वहां से, ज्यादा ऊष्मा जो है वो वहीं से उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, अंदर जो अर्थ है उसमें नहीं आने देता है। और रात के समय जो अर्थ की खुद की हीट है वो उसे जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके अंतरिक्ष में, स्पेस में नहीं जाने देता है, जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फियर है वो पृथ्वी के ऊपर एक कंबल की तरह काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु प्रवाह के क्या कारण है। वायु प्रवाह का कारण क्या है, लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक। तो जो भी हवाएं होती हैं अगर जहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, जिसके कारण जो हवाएं हैं वो चलने लगती हैं। जब हवा चलने लगती है वो हमारा क्या कहलाता है, पवन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बादल का निर्माण कैसे होता है। तो हमने देखा कि जो हमारे सी होते हैं या फिर जो ओशन होते हैं, ठीक है, या फिर रिवर ले लो, जो हमारे तालाब हैं पॉन्ड्स उन्हें ले लो, ठीक है, तो उनके अंदर जो भी सूर्य से रेडियस मिलते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो लाइट मिलती है वो उन्हें हीट में कन्वर्ट करके आप कह सकते हो कि उन्हें जल वाष्प में चेंज कर देते हैं, जो कि ऊपर जा करके क्या होता है, जैसे जैसे जो ऊपर जाएगा, ठीक है, जल वाष्प वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद वो क्या करता है, बादल जो है या फिर आप कह सकते हो क्लाउड जो है वो फॉर्म करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से बादल जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के 3 क्रियाकलाप का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। पहला, जो हमारी उद्योग है, ठीक है, उद्योग, इसके बाद हमारी बढ़ती जनसंख्या है, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या है, ठीक है। थर्ड, अगर हम देखें जो हम जंगल को काट रहे हैं, ठीक है, जंगल काटना, अगर हम उद्योग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल जितनी चीज़ें हैं वो जो हमारी जनसंख्या ये इसी के ऊपर डिपेंड है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, ठीक है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा जो है वो भोजन, ठीक है, और बाकी जो कपड़े हैं, ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर
पर्सन को जितनी चीज़ें चाहिए उतनी जो है प्रत्येक लोगों को चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक लोगों को ये चीज़ दिलाने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, उद्योग लगाना होगा, ठीक है। जो हमारी इंडस्ट्रियां हैं उन्हें जो है डेवलप करना होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें भोजन के लिए, ठीक, अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो भोजन के लिए जो है उन्हें तो भोजन चाहिए ही, ठीक है। तो इसके लिए पेड़ों को काटा जाएगा, ठीक है, लैंड के लिए, ठीक है, जहाँ पे खेती की जा सके, ठीक है। और अगर वही हम पेड़ों को काट देते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती जाएगी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मनुष्य की यही क्रियाकलाप जो हैं वायु प्रदूषण में ज़्यादा इफेक्टिव देते हैं, ठीक है, सहायक होते हैं। नेक्स्ट है जल एक अद्भुत द्रव। अब भाई ये वाटर को एक अद्भुत द्रव क्यों कहा गया, ठीक। लिक्विड फॉर्म में जल पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में केरोसिन पाया जाता है, तो ये क्यों एक अद्भुत द्रव्य क्यों नहीं है? क्योंकि केवल जल ही एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी लिविंग बींग को सर्वाइव करने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपको कह दिया जाए आप पेट्रोलियम पी लो, पेट्रोल पी लो, डीजल पी लो, ठीक है, केरोसिन पी लो, तो क्या आप ये पी करके जल के स्थान पे जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, ठीक है। इसीलिए जल को एक अद्भुत द्रव जो है वो कहा गया है। जल जो है वो पृथ्वी की सतह पे सबसे बड़े भाग में लगभग 75% क्या पाया जाता है, खाली ये जल ही पाया जाता है, ठीक है, अर्थ पे। इसीलिए अर्थ को जो है वो ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है भूमिगत भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जल की कुछ मात्रा होती है जो कि इन्हें जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला ज़्यादातर जल जो है वो समुद्र, महासागर, नदियों में पाया जाता है, जो कि खारा जल होता है, ठीक है। नदियों वाले जल को छोड़ करके कुछ नदी होती है जो खारी होती हैं, ठीक है। शुद्ध जल क्या करते हैं, बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर जो है बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है, ठीक है। भूमिगत जल जो है वो नदियों, झीलों, तालाबों, इन सब जो हैं वो शुद्ध जल हैं। भूमिगत जल क्या, भूमि के अंदर पाया जाने वाला जो है जल वो भूमिगत जल कहलाता है, ठीक है, जो कि अलग अलग स्थानों पे जो है वो पाया जाता है, ठीक है। वैसे तो हर एक स्थान पर पाया जाता है, तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं जहाँ पे नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे कुछ और पाए जाएंगे। जैसे जो बॉम्बे हाई हाई है, ठीक है, जो बॉम्बे हाई, वहाँ पे आप देखते हो कि पेट्रोलियम जो है पाया जाता है, जल की जगह पे पेट्रोलियम निकल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जल के स्थान पे पेट्रोलियम पाया जा रहा है, ठीक है। गर्मी में जो है ज़्यादा स्थानों पे जो है वो जल की कमी हो जाती है, ग्रामीण इलाकों में जल की जो है वो व्यवस्था नहीं हो पाती है, भूमिगत जल जो है उसका जो वाटर लेवल होता है वो नीचे चला जाता है, जिसके कारण जो वहाँ के पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बड़ी दूर दूर तक, तो कम से कम 2-4-10 किलोमीटर जाती हैं जल लेकर के आते हैं, इनसे उनका जो टाइम है वो भी जो है वो ख़राब होता है, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं कि जल जो है वो क्यों आवश्यक है, जल जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वैसे मान लो अगर आप जल सोचोगे, अरे यार जाने दो, जल 2 दिन नहीं पियेंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे, खाना खा के जी लेंगे, तो क्या जो आप खाना खा रहे हो वो तो आपको पौधे से मिल रहा है, पौधा जो अपना खाना बना रहा है वो तो जल से ही बना रहा है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जल के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जल होता है, आप जानते हो, अगर जो है वो जल कोशिकाओं के अंदर से निकाल दिया जाए तो जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, अपने शेप से जो है वो सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, जल तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। और शरीर के दूसरे भाग में जो है वो जल जो है वो खुले हुए रूप में, मतलब कि आप कह सकते हो मिक्सचर के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। और जीवित रहने के लिए प्राणियों के लिए शरीर में जल की मात्रा जो है वो संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि खारे जल में जो है नमक की अधिक मात्रा होती है, इसके कारण जो शरीर जीवों का होता है वो उसे एक तरह से आप कह सकते हो कि उसके लिए बना नहीं है, ठीक है, बना नहीं है, मतलब कि सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है, पिएगा हड्डियाँ गल जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक होने के कारण, ठीक है, आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम जल की जो है जैसे वायु प्रदूषण करें, वैसे जल प्रदूषण भी करें तो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में जो जल होता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा जल पाया जाएगा वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के जो क्रिएचर्स हैं, जो प्राणी हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अज्यूम कीजिए कि जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ के क्रिएचर को देखिए, वहाँ के जितने प्राणी हैं, कितने कैटेगरी के प्राणी हैं,
ठीक है, उनमें कितनी विभिन्नताएं हैं वो देखिए। और जहाँ पे 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे देख लो, वहाँ पे भाई वही जो कम पानी पीते हैं, पानी पी करके सर्वाइव करते हैं, वो वहाँ पे जो है एक तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जल की उपलब्धता जो है प्रत्येक स्पीसीज के लिए जो है एक तरह से आप कह सकते हो अलग जो है वो होती है, और उनके जीवन के लिए जो है जल बहुत ही ज़्यादा उपलब्धता सक्षम होती है, और इनकी संख्या को भी निर्धारित जो है वो नहीं करती है, यहाँ की जीवन की जो विविधता होती है ये उनको भी निर्धारित करती है। ठीक है, ये उनकी संख्या को निर्धारित नहीं करती, ये इनकी संख्या होगी। इनके किसी भी क्रिएचर की जो विविधता है, जो भिन्नताएं हैं, ठीक है, जो उनके अंदर अलग अलग वेराइटी है, ये उनको भी निर्धारित कर, उनको भी डिफाइन करता है कि ये तुम यहाँ रहो, तुम इस जगह रहो, ठीक है, तुम्हारे लिए ये टेम्परेचर सही है, ये एटमॉस्फियर सही है। तो इस तरह से ठीक है, ये वाटर जो है कितना ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे लिए, यूजफुल होता है। दूसरे कारक जैसे तापमान तथा मिट्टी भी जो है वो प्राकृतिक भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रकृति जो होती है, लेकिन जल एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है जो जीवन के लिए जो है स्थल पर निर्धारित जो है वो करता है। अब आगे हम बात करते हैं जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो जल प्रदूषण, अब हमने यहाँ पे देखा कि जल जो है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब सोच लो, अब एयर भी हमने जो है वो एक तरह से पॉल्यूशन उसमें किया, अब हम वाटर में भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो कितना ज़्यादा हम जो है गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, वाटर भी पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर भी पोल्यूशन कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें जब आप इसी तरह से अगर करते रहोगे तो बाद में जो है ये जो हमारी पृथ्वी वो पूरी तरह से जैसे बाकी सारे प्लैनेट हैं ये ठीक उसी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण क्या होता है, इसके लिए कुछ जैसे जल जो है ये तो हमने देखा, कोई भी क्रॉप हम लगाते हैं तो उसमें जो है हमें जल चाहिए होता है, ठीक है, उन्हें अच्छे से उगाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रॉप है, ठीक है, वैसे क्रॉप तो लग नहीं रहा है, मान लो यार क्रॉप है, ठीक है, वैसे इनकी ये लीफ है, बड़ा भयंकर बन रहा है, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, ये आपने क्या किया, इसे अंदर की तरफ जो है इनकी जड़ें जो है वो चली गई, आपने इन्हें जो है वो जल दिया, ठीक, जल ये लिए आपने खेतों को भरा, ठीक है, अपने फील्ड को, ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो केमिकल जो रसायन जो है यहाँ पे उपयोग में लाए थे, ठीक है, ये जो रसायन थे इनके साथ जल जो है वो मिल जाता है, ठीक, यही जल जो है मिल करके जल को प्रदूषित कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं, जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े जो नगर नाले हैं इनके लिए भी जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ जो होती हैं वो वेस्ट वाटर जो भी होता है उन्हें जो है वो नदियों में मिला देते हैं, ठीक है, जो समुद्र में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो कि जल प्रदूषण के लिए उद्योग जो है ये बहुत ही ज़्यादा उत्तर, इसके लिए भी तो ज़्यादा हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ही रुक जाए तो कोई भी इंडस्ट्री बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जितना भी आप सामान जो है वो मैन्युफैक्चर करोगे वो जो है एक तरह से आप कह सकते हो एक लिमिट में हो जाएगी। ठीक है, हमें जो है ज़्यादा खेती करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो है वो ज़्यादा लैंड की भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होगी तो हमें जो है जंगल भी नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि जो जल होता है, ठीक है, वो तो गर्म होता है, गर्म होने के बाद जलाशय में वापस लौट करके आता है, जब बांध से जल छोड़ा जाता है तो नदियों के जल के तापमान पर भी जो है वो प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर की जो जल होता है वो सूर्य के द्वारा ऊपर की जो सतह होती है उसकी तुलना में वो ठंडा होता है। ठीक, तो ये सभी जलाशय में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रभावित करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे जंतु हैं, जैसे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि ये जो है एक झरना है, ठीक, यहाँ से जो जल है वो गिर रहा है, ठीक, यहाँ पे आपका जो है समुद्र है, ठीक है, अब ये इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, कि ये जो है लगभग 1 से 2 किलोमीटर अंदर तक, तो सपोज कर लीजिए 1 से 2 किलोमीटर अंदर तक चला गया। ठीक, अब ये बाहर की है, इस पर जो है वो सन की किरणें पड़ती हैं और ये गर्म है, तो यहाँ पे जो है मान लीजिए ये
500 मीटर तक ऊपर का जो समुद्र का जल है वो मान लीजिए यहाँ पे ये गर्म है, ठीक है, लेकिन 500 मीटर के नीचे के जो जल है वो अभी ठंडा है, ठीक है, तो ये अभी ठंडा है। तो जब ये जल नीचे की तरफ गिरता है तो जहाँ जहाँ ये जल गिरेगा, ठीक, तो ये गर्म जल आएगा, तो जल ठंडा वाला जल ये बाहर रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडे जल में जो हमारे पास मछलियाँ थीं, ये मछलियाँ जो यहाँ पे पाई जाती थी, ये क्या हैं, ठंडे जल में रहने, वो तो गर्म जल उनके लिए जो है वो आप कह सकते हो एक तरह से कि सर्वाइव करने के लायक नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में नहीं है। तो इस तरह से जो है ये जल जो है वो हमारे समुद्र के ऊपर भी किस तरह से जल के ऊपर जो है वो प्रभाव छोड़ रहा है, ठीक है। तो हमें सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार में जो विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कोई हानि न पहुँचे, ठीक है, इस प्रणाली को उपस्थित विभिन्न जीव जो है उनका संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक है। जैसे जलाशय में हम बिना मतलब के अनैच्छिक पदार्थ जो है वो फेंक देते हैं, ठीक है, जैसे पीड़क नाशी या फिर उर्वरक हैं, ठीक है, ये जो वाटर है इसके अंदर जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं ये उनसे रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और उनके अंदर जो वाटर है बैक्टीरिया वायरस ये सारी चीज़ें जो वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जब ये उन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ के जो अंदर के जीव हैं वो क्या करेंगे, उनके ऊपर भी एक तरह से आप कह सकते हो कि बैड इफेक्ट पड़ेगा और उनकी जो है वो डेड भी हो सकती है, ठीक है। इच्छित पदार्थों को जल से हटाना, ठीक है, जहाँ पे हम जल शब्द का जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें ऑक्सीजन में रहने वाले पौधे जंतु जो हैं इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो घुली है इनकी मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे जलीय अन्य पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। इस कंडीशन में भी जो जल में रहने वाले जीव हैं वो भी जो है एक तरह से आप कह सकते हो मर सकते हैं, ठीक। थर्ड है कि आपका जो टेम्परेचर चेंज होता है, जलीय जीव जो है जिस जलाशय में रहते हैं अगर आप मान लो उसमें कोई ऐसा केमिकल डाल दे तो जो कि जल से रिएक्शन करके बहुत ही ज़्यादा हीट जो है वो बनाता है, तो ये उस तापमान में जो है अचानक परिवर्तन लाएगा और उसके अंदर जितने भी क्रीचर्स हैं जो प्राणी हैं वो क्या करते हैं, उन्हें सहन नहीं कर पाते हैं और उनका डेड हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमने देखा कि जो जीव होता है उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो जल होता है ये हमारी कोशिकाओं में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग कुछ आप कह सकते हो 80% जो है वो लगभग जल ही हमारे शरीर में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। किसी भी जीव सर्वाइव करने के लिए किसी भी जीव को जल जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है उनकी, क्योंकि जल के कारण ही कम से कम आप कह सकते हो आपके पूरे शरीर का, ठीक है, लगभग 65% से ज़्यादा जल आपका ब्रेन जो है वो उपयोग कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जल जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती। अगर आप देखिए कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनके लिए भी जल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम जल प्रदूषण करते हैं, ठीक है, जल को निकाल लेते हैं तो उस वहाँ पे जो मछलियाँ और बाकी जो जीव पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेड हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जिस गांव, शहर, नगर में आप रहते हो वहाँ पर उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम जिस गांव, शहर, नगर में रहते हैं वहाँ पे जल के स्रोत जो है बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम गांव देखें, गांव में जो क्या है, जो हमारे कुआं हैं, ठीक है, नलकूप है। अब अगर हम शहर और नगर की बात करें, शहर में जैसे कि जो हमारी रिवर हैं, ठीक है, वैसे गांव में भी जो है बहुत सारे गांव से रिवर जो है वो होके जाती है, तो यहाँ पे जो हमारी रिवर है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। शहर में देखें कि जो कि समुद्र के किनारे वाले शहर होते हैं वहाँ से जो समुद्र का पानी होता है उन्हें फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद वहाँ पे जो है वो सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो किसी भी शुद्ध जल का जो स्रोत है भूमिगत जल हो सकता है, ठीक है, कुआं हो सकता है, नलकूप हो सकता है, नदी हो सकती है, ठीक है, यहाँ तक समुद्री जल भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हो जो जल के स्रोत को जो है वो प्रदूषित कर सकता है? ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जल के स्रोत को प्रदूषित करती हैं, इसमें जो है हमारे जो ह्यूमन होते हैं यही करते हैं,
ठीक है, ये कुछ कीटनाशक लाएंगे, ठीक है, कुछ केमिकल्स लाएंगे जो कि जल में डाल देंगे तो इससे जल प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियां जो हैं वो लगाई जानी बड़े बड़े पैमाने पर, वहाँ से जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है वो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन होने के कारण जो बारिश हो रही है वो एसिड रेन हो रही है, ठीक है, और ये एसिड रेन हो जो है जल में मिल करके जो है वो एसिड वहाँ पे भी फॉर्म कर रही, तो आप देख सकते हो कि जो जल है वो किस तरह से इनके स्रोत जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मृदा में खनिज की प्रचुरता, कोई मिट्टी है ठीक है उसमें जो खनिज लवण पाए जाते हैं जो कि किसी भी क्रॉप को बढ़ने के लिए जो है ज़्यादा उपयोगी होते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने के लिए वाला एक महत्वपूर्ण रिसोर्स क्या है, सॉइल, मृदा है, ठीक है। लेकिन मृदा क्या है या कैसे बनती है, ठीक है, पृथ्वी के बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, भूपृष्ठ कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है जो परत पाई जाती है उसे हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद मध्य लेयर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, रॉक लेयर आ जाते हैं, ठीक है, तो जो खनिज होते हैं ये हमारे जो भूपृष्ठ होता है इसी में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है पालन पोषण करने वाले जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स विटामिन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी प्लांट के लिए जो कि ज़रूरी होती हैं ये वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, ठीके? लेकिन खनिज के बड़े पत्थरों के साथ जो है वो मिले होते हैं, ये जो है जीवों के लिए जो है उपलब्ध नहीं होंगे, हजारों और लाखों लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह पे जो है ये उनके पास समीप आने वाले पत्थर जो हैं वो भौतिक या फिर रासायनिक रूप से, ठीक है, ये टूट जाते हैं, ठीक, यही टूटने के बाद छोटे छोटे कण में जब बदल जाते हैं, ठीक है, महीन कण में बदल जाते हैं तो ये वहाँ पर क्या फॉर्म कर देते हैं, सॉइल फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि सूर्य जो है वो दिन के समय पत्थर को गर्म करता है, ठीक है, आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर उसको हीट मिलती है तो उसके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें अगर एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ठीक है, रात के समय जब उन्हें मतलब कि ठंडी होती है, ठीक है, ठंड लगता है तो वो आपस में सिकुड़ने लगते हैं, तो इस तरह से जो कोई भी कण जो है जिनके अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर अंतः आकर्षण बल जो है वो कमजोर हो जाता है और वो टूट जाता है, ठीक है, यही छोटे छोटे टूट करके, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊष्मा के कारण क्या होता है कि आपका जो रॉक है, ठीक है, उससे जो है वो सॉइल फॉर्म हो गई। अब हम देखें जल से कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए जो जल है मृदा को दो प्रकार से इसे तोड़ता है बनाने में, पहला सूर्य के तापमान पत्थर में दरार जो है वो करके जल जा सके, ठीक है, यदि जल जो है बाद में उसमें जम जाएगा तो ये दरार जो और ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे, ठीक, दरार अगर और ज़्यादा चौड़ा होता जाएगा तो पत्थर जो है वो टूट फूट करके अलग हो जाएगा, ठीक है, तेज गति से जो जल बहता है वो क्या करता है इन्हें छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देता है, ठीक है, जिसे हम अपक्षय और अपरदन कहते हैं, ठीक है, अपक्षय क्या है, किसी भी पत्थर का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है, अपरदन क्या है, किसी दूसरे माध्यम से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, कणों का उड़ करके जाना मतलब किसी भी माध्यम से जाना आपका अपरदन कहलाता है, ठीक है, मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी के जो उपजाऊ परत है उसका हट करके जो है किसी दूसरे स्थान पे चला जाना या आपका मृदा अपरदन होता है, ठीक है, तो इन सभी के लिए जो है जल भी एक तरह से आप कह सकते हो कि मेन होता है, ठीक, मूल पत्थर जो है काफ़ी दूर वाले स्थानों पर पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे वायु के कारण, ठीक, वायु जो है जिस प्रकार से जल में पत्थर जो है एक दूसरे से टकरा करके जो है वो टूट जाते हैं, ठीक, तेज गति से जो हवाएं चलती हैं वो एक पत्थर लेते थे दूसरे पत्थर से टकरा जाते हैं, ठीक, तो वहाँ पे भी जो पत्थर हैं वो टूट फूट कर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, वायु जो है वो जल की तरह ही बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, ठीक है, कोई भी जीव भी जो है मृदा बनाने के लिए उसे प्रभावित करता है, ठीक है, जैसे कि इस क्रम में एक पदार्थ जो हम छोड़ते हैं जो पत्थर के सतह पर जो है चूर्ण समान करता है, मिट्टी की एक पतली परत बनाती है जिसे हम मॉस बोलते हैं, ठीक है, मॉस ये दूसरे छोटे पौधों को उगाने में सक्षम होते हैं, ये पौधे जो हैं उगते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो पत्थर की दरारों में जाती हैं, पत्थर की दरारें में जब जड़ें जाएंगी और धीरे धीरे वो जड़ें जो हैं वो अपना वृद्धि विकास करने लगेंगी तो उससे क्या होता है कि जो पत्थर होता है वो वहाँ पर टूट फूट करके अलग हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे सड़े गले जीव के टुकड़े जो है वो मिलते हैं जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है, और ये जो ह्यूमस होता है इसके अलावा मिट्टी में जो है वो अलग अलग प्रकार के आप कह सकते हो सूक्ष्म जीव भी जो है वो मिले होते हैं।
ठीक है, मृदा के कारण इनके जो निर्णय होते हैं, ठीक है, इनके पास होने वाले कणों के औसत आकार को निर्धारित करते हैं कि उनके जो कण हैं, ठीक है, उनका आकार जो है वो क्या होगा, किस प्रकार से होंगे, ठीक है। आधुनिक खेती में हम पीड़क नाशक जो है वो लगाते हैं, जिससे जो हमारे मृदा होती है उनकी संरचना भी नष्ट हो जाती है, उनकी जो उर्वरकता होती है ये भी खत्म हो जाती है, ठीक है। ह्यूमस को बनाए रखने के लिए हमें जो है भूमि में केचुआ जो होता है हम इसे भी समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम खेती नहीं की जाए, उपजाऊ मृदा जो जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित, क्योंकि ह्यूमस खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर कहाँ से जो है वो जो है आपको अच्छी तरह से फसल मिलेगी, ठीक है। मृदा को हटाना, दूसरे हानिकारक पदार्थों को मृदा में मिल जाना, ठीक है, मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करता है, मृदा की जो उपजाऊपन होता है उसे प्रभावित करता है, ठीक है, जिसे हम भूमि प्रदूषण भी कहते हैं, ठीक। तो अगर हम किसी भी स्थान पर जैसे कोई भी पौधे लगा देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो मृदा का अपरदन होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए अगर हम एक क्रियाकलाप करें, आपको क्या करना है, इस तरह से जो है कुछ जो हमारा आप कह सकते हो एक चार्ट बनानी है, जहाँ पे आपको एक फसल लगानी होगी छोटी छोटी, ठीक है, और बाल मिट्टी होगी उसके ऊपर आपको जो है वो पानी डालना होगा, ठीक। एक है आपको कोई भी फसल जो है वो नहीं लगानी, उसके ऊपर केवल मिट्टी रखना है, ठीक है, और मिट्टी के ऊपर आपको पानी डालना है। तो आप देखोगे कि जो जल होता है वो किस तरह से मिट्टी की ऊपरी परत, जो उपजाऊ परत होती है, उसे बहा करके ले जाता है, लेकिन जब वही स्थान जहाँ पे फसलें थी वहाँ पे जो है कोई भी जल जो है मिट्टी जो है वो कट करके नहीं गई, तो पौधों के जो जड़ें होती हैं ये मृदा अपरदन को रोकती हैं, ठीक। इसीलिए हमें जो जंगल होते हैं इन्हें नहीं काटना चाहिए, ठीक है, इनसे जो है हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, ठीक है, वायु भी जो है वो सुरक्षित रहती है, ठीक है, जो जल होता है वो भी सुरक्षित रहता है, ठीक है, जो मिट्टी होती है वो भी सुरक्षा, आपके देख सकते हो कि कितने ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो हमारे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है, पहला है कि मृदा का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है, तो हमने देखा मृदा के निर्माण में हमारे जल, वायु और जो हमारी पेड़ पौधे हैं ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे जो मिट्टी होती है, कुछ बड़े बड़े पत्थर, जैसे जल जो है वो क्या करते हैं कि पत्थरों के अंदर जो दरारें पाई जाती हैं उस दरारों में जो है वो जल भर जाते हैं तथा वो जम करके पत्थरों को जो है तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, तो यहाँ से आपको जो है वो मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक। वायु देखें, वायु के कारण जो पत्थर होते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिसके कारण वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम हीट की बात करें, ऊष्मा के कारण जो है वो पत्थर जो होते हैं वो फैलते और सिकुड़ते रहते हैं, जिसके कारण पत्थर जो होते हैं वो टूट फूट करके मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा क्या है, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी के उपजाऊपन का जो है हटना ही आपका मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। सिंपली अगर आप देखो तो जो मृदा अपरदन होता है वो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है, आसानी से हो सकता है। मृदा अपरदन क्या होता है कि जैसे कोई भी मिट्टी जो है उसकी उपजाऊपन को जो है वो हटा देना या फिर कम कर देना, ठीक है, मिट्टी की जो उर्वरकता, उर्वरक की जो अच्छी गुणवत्ता होती है उसे समाप्त कर देना, ठीक है, और मिट्टी का जो है वो अपने मूल निवास से किसी अन्य स्थान पर जाना जो है वो आपका मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि अपरदन को रोकने और कम करने के लिए कौन से तरीके हैं। अपरदन को रोकने के लिए जैसे हमें जो है वो जंगलों को नहीं काटना चाहिए, सबसे बड़ा रीजन तो यही है, जंगल को नहीं काटना चाहिए। दूसरा है हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे हमें जो है वो कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अगर हम उनको कंट्रोल में रखेंगे तो हमें ज़्यादा लैंड की आवश्यकता नहीं होगी खेती फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि जो हमारी वन है, फॉरेस्ट, इन्हें हम नहीं काटेंगे, ठीक है, और फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर ये भी अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैव रासायनिक चक्रण, ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल। तो जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटक के बीच जो है सामंजस्य जो होता है वो जीव मंडल को गतिशील और स्थिर जो है वो बनाए रखता है, ठीक है। तो जो भी जीव मंडल के विभिन्न घटक के बीच जो पदार्थ होते हैं उनकी ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है, जिससे जो हमारी प्रकृति होती है उसका भी संतुलन एक तरह से आप कह सकते हो बना रहता है। अगला देखते हैं हम साइकिल में, पहला है हमारा वाटर साइकिल, जलीय चक्र। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी लिविंग बींग जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, और उसे श्वसन के द्वारा, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो है उससे होता है, ठीक है, और जो पौधे होते हैं,
वो भी क्या करते हैं, जल को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे जो है स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं, ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो टेम्परेचर होने के कारण जो जल होता है ये क्या करता है कि हमारा जो जल है वो जल वाष्प में चेंज हो जाता है। ठीक है, तथा ऊपर जा करके वो क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो ठंडा होता है, ठंडा होकर के वो क्या करता है फिर से उसे ज़मीन पे आ जाता है। तो यही आप देख सकते हो कि एक बार जो जल है वो गर्म होकर के ऊपर जा रहा है, फिर वही ठंडा होकर के नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से जल का जो है साइकिल यहाँ पे मेंटेन है। ठीक है, तो इससे जो है वो हमारा भूमिगत जल जो है वो भी यहाँ पे मेंटेन बना हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो हम कर रहे हैं, जो उपयोग भूमिगत जल का हम ला रहे हैं वो हम रेस्पिरेशन के द्वारा क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में छोड़ दे रहे हैं, वही फिर से बादल बन करके फिर से जो है वो वही जल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति में जो जल चक्र होता है ये आप कह सकते हो कि एक तरह से नवीकरण संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, घुलने वाले खनिज जो होते हैं जिनको जब हम जल से गुजारते हैं तो इनमें जो जल होते हैं वो क्या होते हैं, खनिज लवण से भर जाते हैं। जैसे कि जो हिमालय होते हैं, हिमालय जो है ये एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी क्षेत्र होता है, इसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। उन औषधियों के बीच में से जो नदी निकलती है, जैसे हमारी गंगा नदी है, ठीक है, ये आपके हरिद्वार तक इसका पानी जो है बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है। ठीक है, इससे जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स, ठीक है, और जो हमारी औषधियाँ होती हैं, खनिज लवण जो है वो घुले होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, नाइट्रोजन चक्र की। तो जो हमारा वायुमंडल है इसमें क्या है, हमारे पास 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, ये गैस जो है जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत सारे अणुओं के भाग होते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। ठीक है, इस तरह से जो है वो पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो होता है इसका अगर आप साइकिल देखो तो जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, वायुमंडल में पाया जाएगा। ठीक, तो नाइट्रोजन जो डायरेक्टली प्लांट जो है वो उसका यूज नहीं करते हैं, उसे सबसे पहले राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होती है। ठीक है, ये क्या जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को जो है वो क्या करता है, सॉइल में मिलाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, तब उसे जो है पौधे जो है वो उपयोग करेंगे। ठीक, वही पौधे, ठीक है, क्या करेंगे, उसकी अमोनियाकरण करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अमोनियाकरण से अगर हम उसका कर रहे हैं तो उसे हमें अमोनिया फॉर्म होगा। ठीक, यही पौधे जो है क्या कर रहे हैं, जो जीव हैं, जीव करने का मतलब मेरा यह है जैसे गाय भैंस पौधों को खा रही है, ठीक है, तथा वेस्ट निकाल रही है, तो वेस्ट से जो है वो अमोनिया निकलता है। ठीक है, तो जो अमोनिया है वो क्या करता है कि नाइट्राइट्स में चेंज होगा, यही नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में चेंज होगा, फिर इसका डीनाइट्रिफिकेशन होने के साथ ही ये क्या करता है, फिर से नाइट्रोजन जो है उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फिर से वो अपने पहले वाले नाइट्रोजन रूप में आ जाता है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजनीकरण जैसे कि नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो हमारे वायुमंडल में औद्योगिकरण, औद्योगिक स्थिरीकरण, इसमें क्या होता है, जैसे उद्योगों में हमारे लिए जो है वो पौधों के लिए यूरिया, यूरिया इसके अंदर आप देखे होंगे कि जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो वायुमंडल से औद्योगिकों में जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर इसे नाइट्रिफिकेशन करके इसी का नाइट्रेशन में जो है वो नाइट्रेट्स में चेंज किया जाएगा, फिर डीनाइट्रिफिकेशन से ये फिर से जो है वो आपका जो वायुमंडल है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है इसी के माध्यम से जो है हमारा नाइट्रोजन का जो साइकिल होता है वो भी बना रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है एक संयोजी अणु बनाने के लिए जो है उपयोग के लिए पौधे जो है नाइट्रेट्स और नाइट्राइड में जो है इसे ग्रहण करते हैं, और अमोनियम अमीनो अम्ल, ठीक है, जो कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे आप अब नहीं तोड़ सकते हो अमीनो अम्ल को, ठीक है, ये उनमें बदल देता है, प्रोटीन बनाने में जो है वो हो जाता है। ठीक है, कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प जैसे कि नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिक बनाने के लिए, ठीक है, इन प्रोटीन का उपयोग जो है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन चक्र की। ठीक है, कार्बन साइकिल, तो जो कार्बन होता है वायुमंडल में, ठीक
ठीक है, इसका उपयोग जो है वो कार्बनिक यौगिक, मतलब कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये सीधे एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या बनाएगा, C6H12O6, ठीक, एक कार्बनिक यौगिक बनाएगा जिसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं, ठीक। और अब बात देखते हैं कि जो ये हमारी पादप होते हैं, इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, ये अगर इन्हें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाए तो ये जो है पेट्रोलियम और कोयले में जो है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सीधा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हो वो पानी में जो है वो कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, जो कि चूना पत्थर होता है, ठीक है, संगमरमर पत्थर, इन सब का निर्माण जो है वो करता है, ठीक है। तो यही जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये कुछ अकार्बनिक कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम बनाते हैं। यही कार्बनिक जंतु जो होते हैं वो रिस्पिरेशन के द्वारा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करते हैं कि किसमें छोड़ देंगे, आपके एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल होता है वो भी यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात देखें कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसे तो हम बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी से भी इसे उपयोग, या फिर आप कह सकते हो इसका उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, किसी भी कोयले को जलाते हैं, टायर को जलाते हैं, ट्यूब को जलाते हैं, ठीक है, यातायात और उद्योग में जो फ्यूल होते हैं वो जब बर्न होती हैं, खाना पकाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो जब उसे हम मेल्ट करते हैं तो वहाँ पे भी, अब मेटल को छोड़ करके, ठीक है, जो हमारे धातु होते हैं उन्हें छोड़ कर, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ठीक है, कोई फाइबर है, इन्हें जब हम गर्म करते हैं तो इनसे क्या होता है, हमें जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह सकते हो आप, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये सारी गैसें जो है वो हमें प्राप्त होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा विषैली होती हैं। अब अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो इसके लिए अगर हम एक क्रियाकलाप करें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, ये एक गमला है, ठीक है, हमने इसमें क्या कि एक प्लांट जो है वो लगाया है, इस तरह से जो है मान लीजिए ये हमारे पौधों की पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां, अब ये क्या करेंगे, यही पौधे जो है इन्हें अपने फोटोसिंथेसिस, या फिर कह सकते हो कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ठीक है, इसे पूरा करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, जल चाहिए, H2O+CO2, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये क्या बनाएंगे, ठीक है, इन्हीं की मदद से ये बनाएंगे C6H12O6+6O2, ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके चारों तरफ मैंने क्या किया इस तरह से, ठीक, अब हमारे पास ये जो ग्लास था, ठीक है, यहाँ से सन की जो किरणें होती हैं, जो रेज होते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो आ गई, ठीक, कुछ रेज ऐसी हैं जो कि अंदर एंटर कर गई, ठीक है, कहाँ पे, अंदर, ठीक, तो जो रेज यहाँ पे अंदर एंटर कर गई थी उनका जो उपयोग जो है वो यहाँ पे इन पत्तियों के द्वारा जो है वो कर लिया जाएगा, ठीक है। अब पत्तियों जब इन्हें उपयोग करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जो किरणें अंदर आ गई, ठीक है, वो बाद में, इसके बाद जो है वो बाहर जो है ये नहीं जा सकती, ठीक है, क्या कर सकती है, बाहर नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी किरणें थीं जो अंदर आईं वो अब बाहर नहीं जा पा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि जो हीट है वो तो बाहर जा नहीं पा रही, तो टेम्परेचर तो वो बढ़ेगा ही, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और ये वायुमंडल में जो है वो आप कह सकते हो एक तरह से हमारे अर्थ का जो
वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी इसी के कारण बन जाता है। ठीक है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसे जो है ज़्यादा गर्मी ऑब्जॉर्ब करता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप जो है वो गर्मियों के समय में काले कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, केवल सफ़ेद ही पहनते हो, ठीक है, ब्लैक क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो क्या करता है ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है और आपके शरीर के अंदर जो हीट निकलती है उसे वो जो क्या करता है बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, वही काम जो है ये एटमॉस्फेयर अगर इसका हो जाएगा तो यही काम जो है ये यहाँ पे भी करेगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं ऑक्सीजन चक्र, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी पृथ्वी पे लगभग 21% जो है वो पाया जाता है, जो कि हमारे किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी जंतु के लिए, जीव के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस जो है वो होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात यौगिक के रूप में करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें पाया जाता है पृथ्वी में जो है धातुओं तथा सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में जो है ये ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और बहुत सारे खनिज लवण के रूप में ये पाई जाती है। यह जैविक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा जिसे लिपिड बोलते हैं, ठीक है, उसमें उसका भी एक घटक होता है, उनमें भी ये पाई जाती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र की। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसे हम रिस्पिरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे, श्वसन से क्या करेंगे हमारे पास CO2 निकलेगा, ठीक, और जल निकलेगा, ठीक है, CO2 और जल, फिर यही जल दोनों चीज़ वो क्या होते हैं कि ये कार्बन प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक, तो पौधे यहाँ से क्या बनाते हैं, हमारा जो कार्बनिक अणु भी बनाते हैं, मतलब कि जो हमारा ग्लूकोज है, और ये प्रकाश संश्लेषण से हमारे ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में भी चला जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हो ऑक्सीजन का जो चक्र है कितना ज़्यादा सिंपल है और इसमें जो है वो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, सीधा इसकी रेस्पिरेशन, फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस होती है, फिर इसके बाद वो सीधा रिलीज हो जाती है। ठीक, तो अब हम बात करें अगर ओजोन परत की, ओजोन परत आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, ये हमारी ओजोन परत आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो जो ओजोन परत है ये क्या है कि जब हम ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन के तीन अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा ऑक्सीजन एक द्विपरमाणु अणु होता है O2, ठीक है, तो जब इसी O2 में एक ऑक्सीजन का एक अणु जो है वो आकर के मिल जाता है तो ये क्या बना देगा, ओजोन। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखा कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन इसी के, ठीक है, अपोजिट जो ओजोन बना O3 वो हमारे लिए एक पॉइजनस गैस है बहुत ही ज़्यादा। ठीक, ये हमें नुकसान क्यों नहीं पहुँचाती है, क्योंकि ये हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से ये जो ओजोन परत होती है ये आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, आपके एयर का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे पराबैंगनी किरण होती है, ठीक है, हानिकारक रेडिएशन जो है वो आते हैं सूरज से, ठीक है, वो उन्हें क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है और उन्हें अर्थ पे आने से बचाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है बहुत सारे प्राणी जो हैं वो बच जाते हैं, तो उनको कैंसर, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकते हैं, मेनली कैंसर होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी ही ये पता चला कि जो ओजोन परत है वो घट रहा है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए अनेक प्रकार के जो आपके कह सकते हो मशीन है, उनसे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बन की यौगिक को ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ ऐसे गैसें हैं जो कि क्या कर रही हैं कि हमारे ओजोन परत को जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो क्षति पहुंचा रही है। यही ओजोन परत जो है उनकी कमी आई, जो कि आप देख सकते हो अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत के ऊपर जो है वो छिद्र पाया गया। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारे अर्थ पे जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, लगभग हो ही गई हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है, फर्स्ट प्रश्न है कि जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्था पाई जाती है। तो हमने देखा कि जल चक्र का जो क्रम होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले गैस, ठीक है, मतलब लिक्विड से गैस, तो हम गैस से शुरू करते हैं। ठीक, गैस से क्या होगा, जो हमारा द्रव है, ठीक, द्रव से क्या होगा, ठोस आएगा, ठोस में हमारा बर्फ आ जाएगा। ठीक, यही चीज़ें होंगी, ठोस गैस से द्रव, द्रव से
ठोस, फिर यही ठोस से द्रव, फिर यही द्रव से गैस, फिर यही यही क्रिया जो है इनमें यही तीन चीज़ जो है वो चलती रहती है, ठीक है। यही तीनों अवस्था पाई जाएगी, क्योंकि जल की तीन अवस्था होती है, तो कहाँ से और लाओगी इसमें। क्वेश्चन नंबर टू, जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम दीजिए जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जो जैविक रूप से, ठीक है, महत्वपूर्ण दो यौगिक, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों में पाया गया। इसमें हमने ये देखा कि जो हमारा यहाँ पे क्या था, पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया गया था, ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत जो है, ऑक्सीजन इसने क्या किया वहाँ पे रिलीज़ किया, ठीक है, जो यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके दो उपयोग जो हैं वो जैविक रूप से जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों में पाए जाते हैं, जो कि हमारा जो खाद होते हैं, ठीक है, उनमें भी इनका उपयोग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, इनसे यौगिक जो होते हैं जो हमारे केमिकल रूप से बनाए जाते हैं उनमें भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मनुष्य की किन्हीं तीन गतिविधियों को पहचाननी है जिसके कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। पहला क्या है, ये तो हम पहले से देखते आ चुके हैं, बढ़ती जनसंख्या पहली गतिविधि है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो हमारे इंडस्ट्रियां हैं उनका बढ़ना। तीसरा क्या है, जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं कि दिन पर दिन काट रहे हैं, ये है। क्वेश्चन नंबर फोर, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। हमने ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह अभी ऊपर डिटेल में देखा, तो आप कह सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश या फिर आप कह सकते हो ऊष्मा जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है वो अंदर की तरफ आती है, ये आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो कौन से रूप हैं। वायुमंडल में पाए जाने, एक तो ऑक्सीजन खुद है, एक ओजोन है, O2 और O3, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन और अभ्यास को देखते हैं कि इनके जो अभ्यास हैं आप इन्हें जो है वो किस प्रकार से जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए वायुमंडल जो है वो क्यों आवश्यक है। तो हमने देखा कि जो वायुमंडल होता है वो हमारे पृथ्वी को एक कंबल की तरह, ठीक है, एक कंबल की तरह जो है वो बांध करके रखा है, ठीक है। अगर वही वायुमंडल ना होता तो जीवन के लिए जो है पहली बात तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, दूसरी बात ऑक्सीजन को छोड़ो अगर वायुमंडल होता ही ना तो जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है दिन रात बराबर रहता है वो बराबर नहीं होता या फिर मेंटेन नहीं होता, ठीक। मून की तरह दिन में इसका तापमान जो है वो 110 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता, रात के समय कुछ 190 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंडी गर्म हो जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, जीवन के लिए जल जो है वो क्यों अनिवार्य है। क्योंकि हमने देखा कि जो जीवन होता है उसके लिए जल, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी जीव जो है वो जल के ऊपर ही एक तरह से आप कह सकते हो डिपेंड रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो कि पौधे हैं, अब आप अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो, पौधों से। पौधों जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हो, तो लो भाई जल आ गया, ठीक। इसीलिए किसी भी चीज वस्तु को सॉरी किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए जो है जल जो है वो अधिक मात्रा में या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर थ्री, जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो जो जीवित प्राणी होता है वो मृदा पे कैसे निर्भर हो सकता है। तो हम जानते हैं कि जो जीवित प्राणी होता है वो अपना भोजन तो पौधों की तरह सूर्य का प्रकाश, लो भाई सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, अपना भोजन स्वयं बना रहे, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ऐसा तो पौधों में ही होता है। तो जो जीवित प्राणी होते हैं वो, चलो पौधों का ही केस ले लो, पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से खनिज लवण, जल, ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है वो सारी चीज़ें, पोटेशियम है, ठीक है, आपका जो फास्फोरस है, कैल्शियम है, बोरान, जिंक, ये सारी चीज़ें जो है कुछ मिनरल्स हैं जो कि क्या करते हैं पौधे सॉइल मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि जीवित प्राणी मृदा पर ही किस प्रकार से निर्भर है। आपको अगर भोजन प्राप्त करना है तो आपको जो है फसल लगाना होगा, फसल किस में होगी, मिट्टी में होगी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो जल में रहने वाले जीव हैं वो भी मिट्टी से अलग नहीं है, ठीक है, वो भी मिट्टी से बंधे हुए हैं। मान लो जो मछलियां हैं वो भी क्या करती हैं, अब
मिट्टी में ही जो पौधे उगते हैं, गर्म हवा, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, जब ये दोनों आपस में जिस स्थान पे मिलती हैं वहाँ पे एक आप कह सकते हो कि विशेष प्रकार की घास उगती है, ठीक है। वो क्या करती है वहाँ पे, जो फिश होती है उनके लिए भोजन का काम करती है, तो जो घास होगी वो भी क्या करेगी, मिट्टी में ही उगेगी ना। तो इस तरह से जो जलीय जीव हैं वो भी क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर भी जो है वो निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपने टेलीविजन पर समाचार पत्र में जो मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा, तो क्या आप सोचते हो कि मौसम का पूर्वानुमान में जो है वो सक्षम है। वैसे जो मौसम का पूर्वानुमान है वो तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं लगा सकते कि हाँ भाई यही होगा, ठीक। क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं या फिर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पुराने डेटा होते हैं, जो पुराने डाटा होते हैं उन्हें क्या करते हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हो इकट्ठा करते हैं उनको, उनका जो है वो एक तरह से पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाने के बाद उनको जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि अनुमान लगाते हैं कि हाँ आज का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम है, बारिश होगी, क्योंकि उसने उन्होंने पहले भी देखा था कि 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हुआ तो बारिश हुई थी। तो अब भी अगर 20 डिग्री सेल्सियस से वो क्या है कम है, तो क्या होगा कि जो हमारा बारिश है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये आप जो है पूरी तरह से यहाँ पे नहीं कह सकते हो कि बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये केवल एक तरह से आपका अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियाँ वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटने में सहायता मिलेगी। हाँ ये बात तो हो सकती है, क्योंकि अगर जितने भी मानवीय गतिविधियां हैं उसमें हमारे वायु, जल, मृदा किस तरह से प्रदूषण हो रहे हैं वो तो हमने चैप्टर में डिस्कस किया किस तरह से ये बढ़ रहे हैं। अगर हम इन्हें एक तरह से इन सारी गतिविधियों के लिए एक जो है आप कह सकते हो कि सीमा, ठीक है, एक लाइन डिफाइन कर दें कि आपको जो है इसके ऊपर जो है उत्पादन नहीं करना है, ठीक है, इतने टाइम से ज़्यादा आपको फैक्ट्री नहीं चलानी है, ठीक है, आपको जो है इतना इतने से अधिक ईंधन का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, आपको जो है इतना ज़्यादा जल का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, और जो मृदा है उसमें अधिक मात्रा में जो हमारे उर्वरक हैं, ठीक है, वो आपको नहीं यूज करने हैं। तो इस तरह से अगर हम अलग अलग सीमाएं बनाते हैं तो जो प्रदूषण का स्तर है वो हम आसानी से यहाँ पे घटा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो जो यहाँ पे जंगल होते हैं वो वायु, मृदा और जो जलीय स्रोत होते हैं उन्हें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो जंगल होता है, अगर मान लीजिए कि हम जंगल को काट देते हैं, ठीक है, अगर हम जंगल को काटते हैं तो जो पौधों के द्वारा हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड उनके भोजन के लिए पौधे जो हैं वो ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं हमारे लिए बाहर निकालते हैं, वायुमंडल में रिलीज करते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो जंगल होते हैं वो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होता है इनके जो स्रोत होते हैं ये इन्हें वहां पे बनाए रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मृदा की, तो जब कभी भी बाढ़ आता है तो हम देखते हैं कि जो जंगल होते हैं, जहाँ पे जंगल नहीं होता है वहाँ की मृदा जो है वो हट जाती है, ठीक है, उसकी उपजाऊ जो परत होती है वो हट जाती है, ठीक है। अब अगर हम जलीय स्रोतों की बात करें तो जो पौधे होते हैं, जो जंगल होते हैं, जलीय स्रोत, जलीय स्रोत मतलब कि आप कह सकते हो बारिश हमारे लिए एक जल का स्रोत है, ठीक। अगर पौधों को हम काट देते हैं, जंगल को काट देते हैं, तो जो हमारे लिए यहाँ पे बारिश हो रही है पौधों के माध्यम से जो वाष्पोत्सर्जन किया जाता है ये नहीं होगा, ठीक। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, ठीक है, मतलब कि बनेंगे लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं बनेंगे जितना कि हम लोगों को यहाँ पे आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उनके माध्यम से जो है बारिश होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जंगल जो है वो वायु, मृदा और जलीय स्रोतों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।